दूसरे धर्म की लड़की को जिन्होंने बनाया हम सफ़र, ये है टॉप 7 टीम इंडिया के क्रिकेटर्स। जी हाँ दोस्तों, भारत में क्रिकेट को धर्म से कम नहीं माना जाता। भारतीय लोग क्रिकेट के दीवाने हैं, जहाँ धर्म और क्रिकेट को एक ही स्थान मिलता है। भारत में धर्म माने जाने वाले इसी क्रिकेट में कई ऐसे क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने धर्म से ऊपर उठते हुए अपने प्यार की गांठ बांधी। भारतीय क्रिकेट में कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने प्यार के आगे धर्म को नहीं देखा और दूसरे धर्म में शादी कर ली। तो आइए एक नज़र डालते हैं उन 7 क्रिकेटर्स पर जिन्होंने दूसरे धर्म में शादी कर ली। जहीर खान और सागरिका घाटगे। भारत के पूर्व तेज गेंदबाज जहीर खान ने धर्म से आगे निकलते हुए हिंदू लड़की को अपना बनाया। जहीर खान ने बॉलीवुड एक्ट्रेस सागरिका घाटगे के साथ साल 2017 में निकाह किया। सागरिका घाटगे बॉलीवुड फिल्म चक दे इंडिया में काम कर चुकी है। युवराज सिंह और हेजल कीच। युवराज सिंह ने भारतीय क्रिकेट के लिए बेहतरीन योगदान दिया है। युवराज सिंह ने भारत को साल 2007 का T20 वर्ल्ड कप और 2011 का क्रिकेट वर्ल्ड कप दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। युवराज सिंह ने धर्म से ऊपर उठते हुए सिख धर्म के होने के बाद भी ईसाई लड़की और एक्ट्रेस हेजल कीच के साथ शादी की। मोहम्मद कैफ और पूजा यादव। मोहम्मद कैफ की इंग्लैंड में भारत को साल 2002 में नेटवेस्ट ट्रॉफी दिलाने में अहम भूमिका रही थी। उस नेटवेस्ट ट्रॉफी ने भारतीय क्रिकेट की तस्वीर भी बदली। मोहम्मद कैफ का करियर लंबा तो नहीं चल सका, लेकिन उन्हें एक हिंदू लड़की से प्यार हुआ। मोहम्मद कैफ ने साल 2011 में पूजा यादव नाम की लड़की से विवाह कर लिया। मंसूर अली खान पटौदी और शर्मिला टैगोर। भारतीय क्रिकेट इतिहास में पूर्व दिग्गज कप्तान मंसूर अली खान पटौदी और बॉलीवुड एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर की जोड़ी बड़ी खास रही है। मंसूर अली ने धर्म की आड़ को तोड़कर हिंदू बंगाली लड़की शर्मिला टैगोर को अपना जीवन साथी बनाया और ये जोड़ी सुपरहिट साबित हुई। दिनेश कार्तिक और दीपिका पल्लिकल। भारतीय क्रिकेट टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक को पहली शादी में झटका मिला। पहली पत्नी निकिता से तलाक होने के बाद दिनेश कार्तिक ने ईसाई धर्म से नाता रखने वाली स्क्वाड खिलाड़ी दीपिका पल्लिकल को हमसफर बनाया। दिनेश कार्तिक और दीपिका पल्लिकल ने साल 2015 में शादी कर ली। मोहम्मद अजरुद्दीन और संगीता बिजलानी। भारत के पूर्व दिग्गज कप्तान मोहम्मद अजरुद्दीन की बात करें तो इन्होंने वैसे ही अपनी पहली शादी नौरीन नाम की लड़की के साथ की, लेकिन नौरीन के साथ साल 1996 में तलाक हो गया। इसके बाद अजरुद्दीन ने बॉलीवुड अभिनेत्री संगीता बिजलानी के साथ दूसरी शादी की। संगीता बिजलानी के साथ अजरुद्दीन ने धर्म को नहीं देखने हुए अपना बनाया था। संगीता के साथ भी अजहर का रिश्ता ज़्यादा लंबा नहीं चला। अजीत अग्रकर और फातिमा। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व तेज गेंदबाज अजीत अग्रकर मराठी परिवार से नाता रखते हैं, लेकिन उन्हें एक मुस्लिम लड़की से मोहब्बत हो गई। साल 2007 में पूर्व तेज गेंदबाज अजीत अग्रकर ने अपने दोस्त की बहन फातिमा से विवाह कर लिया। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो